ಸಿಲ್ಕ್ ಭಾಯ್ ದೀವಸಾವ मान्य उपाध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल के दौरान निम्न विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाने यह विषय सामाजिक एवं जनहित में है। मान्य उपाध्यक्ष महोदय, देश में बच्चों के गुम होने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कई सूचना अनुसार देश में हर घंटे में एक बच्चा गुम हो रहा है और दिल्ली में तो रोजाना 7 बच्चे गायब हो रहे हैं। एक बच्चे के गायब होने के बाद एक परिवार की क्या स्थिति होती है? जो लोग बाहर से रोजगार के लिए दिल्ली में आते हैं और कई शहरों में जाते हैं, उनके बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और खेदपूर्वक सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि गायब बच्चों की बरामदी दर आधे से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 921 गुम हुए बच्चों में केवल 315 का पता सरकार पता चला रही है। पिछले साल 500 बच्चों के पता नहीं चला। यह बच्चे किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं या शरीर के अंग निकालने वाले अपराधियों का और गुमराह करने वाले शिकारियों के शिकार हो सकते हैं। पुलिस की भूमिका इस संबंध में बड़ी ही निराशाजनक है। बच्चा गायब होने के बाद एक साल के बाद अखबारों में सूचना दी जाती है और पुलिस बीच इस संबंध में कोई समन्वय कार्य संतोषजनक नहीं कर पाती है। इससे पुलिस के कार्यों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं और न्यायालयों में माध्यम से कई बार फटकार पुलिस को मिल चुका है एवं न्यायालय ने एक विशेष दल का गठन करने का निर्देश दिया है। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों के गुम होने की घटनाओं की सदनता से जांच की जाए और इस संबंध में समन्वयकारी कार्यों की समीक्षा की जाए।